तो नाम सबका नाम चलिए जी हेलो हेलो हेलो, आप लोगों ने एक ब्रेक से पहले, लंबा ब्रेक हो गया ड्यू टू लाइट यहां पे नहीं आ रही थी और उसके बाद वाईफाई नहीं आया काफी देर तक, तो ठीक है भोजन तो खाया नहीं बच्चों ने, की बारिश भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है हाँ बेटा आप सही कह रहे हो, लेकिन आपको हमेशा ये लिखना है बेटा कि अगर बीप या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी है, बी की वैल्यू दी, बी तीन है चार है पांच है नहीं दिया हुआ, इस कारण आप ये नहीं कह सकते प्लस वन होगा, माइनस वन भी हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा बड़ा वाला उसको हम लोग पढ़ते हैं और उस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि भैया अगर एक भी वेरिएबल, अगर एक भी वेरिएबल जीरो होगा तो आंसर क्या होगा, जीरो, लेकिन कई बार जीरो नहीं होता और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, एक एग्जांपल कराते हैं। चांसेस है कि अगर आएगा तो बहुत छोटी डिजिट होगी, ठीक है। चलिए मैंने एक्स यहां लिखा और यह हूं आई लिखा, रिलेशन निकालना बता रहा हूं उस बड़े वाले फॉर्मूले से, मान लो एक्स है वन टू थ्री फोर फाइव, यह है टू थ्री वन टू फोर, मोर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब इसमें आपको रिलेशन निकालना आर, क्वेश्चन दिया हुआ एक्स और वाई, आपको आर निकालना है, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है, तो आप कॉलम क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप एक्स और वाई की घुसमपट्टी इन दोनों की आपस में बढ़े, प्लीज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई, मल्टीप्लीकेशन क्या जी, कितना आएगा बेटा ये टू सिक्स थ्री एट ट्वेंटी, ऐड कर लो कितना आया, फटाफट ऐड करो कितना आया बेटा, 39 पक्का। अब आप निकालिए x का स्क्वायर, फिर निकालिए y का स्क्वायर, फटाफट x का स्क्वायर निकालिए y का स्क्वायर निकालिए, x का स्क्वायर कितना होगा 1 4 9 16 25, y का स्क्वायर 4 9 1 16, ठीक है भाई। अब सबको ऐड कीजिए, सबके कॉलम को ऐड कीजिए, x का टोटल भी y का टोटल भी स्क्वायर का टोटल भी, कितना आ रहा है पहले वाला, ये 55 आ रहा है और ये x का टोटल 34, ये 12, ये इतने कॉलम बनाने पड़ेंगे अगर आपके सामने बड़ा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, और जीरो कोई अवेलेबल नहीं होता तो। अब बेटा आर का फॉर्मूला क्या था जरा ध्यान दो, घुसम पट्टी मरम पट्टी माइनस अलग अलग हो गए हम एन, फिर डिवाइड में दो रूट, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और एन यहां पे, फिर यहां पे था ना बेटा याद है,
समेशन ऑफ वाई स्क्वायर एन यहां पे माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, यही है भाई, ये फॉर्मूला था। अब यहां पे वैल्यू पुट अप कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आर इक्वल टू क्या आएगा, एन कितने, एक दो तीन चार पांच, तो पांच इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का कितना बेटा 39, माइनस सिंगल एक्स कितना है 15, इंटू सिंगल वाई कितना है 12, डिवाइड में रूट एन कितना है 5 इंटू एक्स का स्क्वायर कितना बेटा 55, माइनस एक्स का रूट कितना है 15 का होल स्क्वायर इंटू रूट 5 इंटू वाई का स्क्वायर कितना था 34, माइनस 12 का स्क्वायर। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फटाफट सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। सर अब समझ में आ गई बात कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो एक नंबर के लिए पांच नंबर जाएंगे आपके। ये कार्ल पियर्सन का एग्जाम्पल है जो बड़ा वाला फॉर्म लिखवाया था मैंने, ठीक है। कितना आया बेटा सॉल्व करके प्रोसेस में हो, चलो बेटा ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है मेरे भाई, ये मैंने अपने मन से लिया है और कार्ल पियर्सन का बड़ा वाला फॉर्मूला सॉल्व करना बता रहा हूं, अपने मन से लिया है। कितना आ रहा है, सेवन पॉइंट मारी आर की वैल्यू, तो ये वैलिड नहीं है रिलेशन, ठीक है। डिजिट हमने अपने मन से लिए इसलिए वैलिड रिलेशन नहीं है, बट तरीका आ गया ना आपको कि आर एक्स और वाई दिया हो तो आर इसका आंसर आ 7.57। बच्चा बोला 7.5757 आ रहा है, तो ये वैलिड नहीं है, ये डेटा इंफॉर्मेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। बच्चे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता सही या गलत, ये आ रहा है। मैं सॉल्व कर दूं भाई, इसमें क्या सॉल्व करना है, एक मिनट, 5 × 39 कितना आता है बेटा बताओ, 195 माइनस 180, बिल्कुल बढ़िया। रूट में 5 इंटू दिस कितना आ रहा बेटा बताना, एक इतना कितना मल जाए, कितना रहे 275 माइनस 225 रूट में 5 × 34 कितना होता है 170 माइनस 144, ऊपर बचा कितना 15, नीचे 275 में से 225 50, तो रूट में 50 इंटू अंदर ही मिलेगा, ये कितना बचा 26, निकाल लो इनका, तो 15 बटे रूट 50 इंटू 26 कितना होता है, कितना होता है ये मल्टीप्लाई करके 1300, 1300 मतलब, अब रूट निकाल दो 1300 का कितना आता है 35.9, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 36.05, चलो डिवाइड करो इससे, इसको कितना आ रहा है 0.41, ये आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना जैसे अभी मेरे भाई ने कर दी थी, ठीक है, और बाकी बच्चों ने भी कर दी कुछ,
नहीं सेम आएगा बेटा, तब भी वही आएगा। तो आंसर आ रहा है 0.416। अब एक नंबर के लिए अगर ये क्वेश्चन आए तो पहला मेरा सजेशन बाद में करना इसको, लेकिन अगर एक जीरो आ जाए तो सबसे पहले कर देना। आंसर क्या आएगा? जीरो। ये मैंने इसलिए सिखाया मेथड कि कल को आप मेरे पास आते और बोलते सर एग्जाम्पल ये मेथड दिया हुआ था, हमें तो आपने कराया ही नहीं। तो मैंने मेथड करा दिया, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अगर आएगा तो डिजिट ऐसे होंगे जिनका आंसर फट से निकल जाएगा, डिजिट बड़े नहीं होंगे, इतनी लंबी क्वेश्चन भी नहीं होगी, मतलब बहुत छोटे डिजिट होंगे। बात समझ में आई? ये था पूरा कोई। अब जो करा रहा हूं बेटा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए कराया कॉन्सेप्ट के लिए, जो अब करा रहा हूं उसके क्वेश्चन हर हालत में एग्जाम में आता है। तो जो अब करा रहा हूं उसको नोट करो, और वो है ट्रिक बेस्ड। चलिए एक पॉइंट लिखिए सारे बच्चे इसको उतारने के बाद। यस, एक नोट लिखिए, नोट नोट लिख लो, बता देंगे। 500 हजार का नोट नहीं, करोड़ का नोट है, ठीक है लिख लो। ये करोड़ का नोट कैसे प्रूफ कर सकता हूं? इसको पढ़ोगे पास हो जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, तो कितने सारे आप नोट कमाओगे, तो हो गया ना करोड़ का नोट। अच्छा एक कुछ नहीं है। चलिए नोट देखिए, सुनिए, आप लोगों ने स्टैट्स में एक वर्ड पढ़ा होगा ओरिजन, और एक पढ़ा होगा स्केल। स्टैट्स में एक पढ़ा होगा ओरिजन का वर्ड, एक पढ़ा होगा स्केल का वर्ड। अगर मान लो कहीं भी ओरिजन वर्ड है तो इसका मतलब क्या होता है? प्लस और अरे स्केल होता है, इसका मतलब क्या होता है? या तो इनटू या तो डिवाइड। इस टेस्ट में ये वर्ड पता नहीं कितनी बार आएगा, 500 बार आएगा, ओरिजन और स्केल। ओरिजन का मतलब प्लस या माइनस, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब क्वेश्चन ये बनता है, थ्योरिकली बनेगा प्रैक्टिकली बनेगा सर। बेटा अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये ध्यान नहीं है तो हड्डी काट दो, बता रहा हूं। ये पेपर में आता है, जो लिखवा रहा हूं उसको ध्यान दे लो, नोट करके लिखवा रहा हूं। ओरिजन का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस, स्केल का होता है मल्टीप्लाई। अब मैं लिख रहा हूं नोट, अब इंग्लिश में बोलता हूं। वो कहना चाह रहा है इफ चेंज इन ओरिजन और स्केल, इफ चेंज इन ओरिजन और स्केल देयर आर नो चेंज इन आर, देयर आर नो चेंज इन आर, बट साइन मे बी चेंज, मे बी चेंज, साइन चेंज हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। क्या लिखवा दिया सर? इसको और डिटेल में बताना, आई बताता हूं, पहले लिख लो ये बात। क्या लिखा? अगर वेरिएबल में ओरिजिन या स्केल की वजह से चेंज आ जाए, मतलब जो एक्स और वाई वेरिएबल दे रखे, जो एक्स और वाई वेरिएबल, उसमें या तो कोई नंबर ऐड कर दो, या तो कोई नंबर सब में ऐड कर दो, या कोई नंबर सब में माइनस कर दो, या कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो,
या कोई नंबर से डिवाइड कर दो, तो रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आर की वैल्यू जो पहले थी वो अब आएगी। अगर मान लो एक्स और वाई वेरिएबल है, हर किसी में दो दो ऐड कर दिया, एक्स में दो ऐड कर दिया, वाई में भी दो ऐड कर दिया, रिलेशन निकाला तो रिलेशन वही रहेगा पुराने वाला, या फिर दो से सब्ट्रैक्ट कर दिया हर वेरिएबल को तो भी रिलेशन वही रहेगा, या दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो या डिवाइड, तो आपका जो रिलेशन है आर वही रहेगा जो पुराना वाला आर था, जो वही रहेगा जो पुराना वाला आर था। लेकिन वो आर हो सकता है पॉजिटिव से वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, लेकिन साइन में चेंज आ सकता है। अगर मान लो आर दिया हुआ है 0.3, तो आंसर तो 0.3 रहेगा, लेकिन हो सकता है ये माइनस दिया तो क्या हो जाए प्लस, या प्लस दिया तो क्या हो जाए माइनस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, लिख लिया सब लोगों ने। देखिए स्टैट्स में बड़े जरूर क्वेश्चन है, लेकिन जो आते हैं वो छोटे ही आते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन वो तो आते ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि एक नंबर के नहीं है, बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लोगे आप। तो आएगा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड समझने वाला। क्या बोला मैंने, अगर मान लो किसी भी वेरिएबल में चेंज आया, या तो प्लस का चेंज आया या माइनस का चेंज आए, या इनटू से चेंज आए या डिवाइड से चेंज आए, तो आर आर क्या होता है चेंज नहीं होगा, और लेकिन उनका साइन में भी चेंज हो सकता है, या तो प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में, या माइनस में तो प्लस में, या नहीं भी चेंज हो, डिपेंड करता है सिचुएशन। मे बी वर्ड यूज किया मैंने। अब कैसा क्वेश्चन होगा, मन में ये बहुत उत्सुकता जाग रही है, एक मैं करूंगा तो दो आप करोगे, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा ऐसा तो दो आप करोगे। पहले क्या कहा मैंने, ओरिजिन या स्केल में चेंज आता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोई चेंज नहीं आता, वैल्यूज वही रहती है, बट साइन में भी चेंज, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या वही साइन भी हो सकता है। पहले बताओ ये बात समझ में आई। चलिए जी, अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, और इतनी सारी कहानी लिखी हुई नीचे इसके बारे में, एक कहानी लिखी हुई यहां से आता है। इस कहानी को मैं समझा चुका हूं, 99% लोग इस तरह सॉल्व करते हैं आईसीआई के मेथड से। मैं पेन नहीं चलाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, उसका तरीका बताऊंगा आपको भाई, क्योंकि वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, ये तो आप डिसाइड कर लो। अब क्वेश्चन क्या है, चार ऑप्शन है, एक मैं कराऊंगा, तीन आप खुद करेंगे, एक मैं तीन आप, एक मैं और तीन आप। देखो क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा जैसे दिया हुआ है, गिवन दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, कितना आंसर दे रखा है, इसका मतलब हमारा आर कितना रखा है 0.8, आंसर यही रहेगा 0.8। राइट डाउन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसके बीच में, देखो एक्स वाई को यू वी बदल गया, तो एक्स वाई को जब यू और वी में बदला है तो या तो ओरिजिन की वजह से बदला हुआ या तो स्केल की वजह से, एक्स नंबर था कोई उसको हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो अरे एक्स का बचा कोई और नंबर बन गया ना, इसीलिए उसको यू वी कहा जाता है। जब एक्स या वाई की वैल्यू बदल जाती है तो उसे यू और वी कहते हैं, क्या कहते हैं यू और वी। कह रहा है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन था 0.8, अब हमने क्या किया एक इक्वेशन बना दी। अब किसका आ गया, चल नहीं रहा क्या, अरे बाबा, हेलो, तेरी माँ की। किसी भी एक वेरिएबल में एक्स में चेंज आएगा तो वाई में भी उसी से चेंज आएगा, ठीक है, ये नहीं कि एक्स में चेंज कर दिया वाई में चेंज नहीं किया, दोनों में बराबर चेंज आना चाहिए, दोनों में या तो मल्टीप्लाई होनी चाहिए, दोनों में या तो डिवाइड या तो प्लस या तो माइनस, एक वेरिएबल में नहीं, आप तभी तो यू और वी बने। तो कह रहा है कि अगर एक्स वाई का रिलेशन 0.8 है तो यू और वी का रिलेशन निकालो इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया, क्या समझ में आया, एक्स और वाई का रिलेशन दे रखा है, किसका निकालना है
यू और वी का निकालना है इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए। अब जब ये दोनों इक्वेशन आपके सामने नजर आ जाए तो आपको इकलौता एक काम करना है, एक काम यहां से U की और V की वैल्यू निकालनी है सेपरेट। किसकी निकालनी है? U और V की। अगर मैं यहां से U की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या बनेगा? 2U इक्वल टू माइनस 3X माइनस 4, यही तो बनेगा भाई। तो U कितना आ जाएगा? माइनस 3X बाई 2 माइनस 4 बाई 2 बन जाएगा बेटा। इतना तो कर लोगे ना? नहीं करोगे तो भी तरीका बताऊंगा मैं आपको, डायरेक्ट करेगा, पहले समझा रहा हूं मैं आपको। फिर यहां से v निकालो, v कितना आएगा? 4v इक्वल टू माइनस 16y माइनस 11, तो v कितना आएगा? माइनस 16y बाय 4 माइनस 11 बाय 4। इतना तो समझ लोगे ना बेटा आप? बस आ गया आंसर, आ गया आंसर। सर क्या कहना चाह रहे हो? पहले बताओ यू वी निकाल लिया, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं उसको कॉपी में लिख भी लेना चाहे। आंसर आ चुका है सर, अभी किया क्या हमने, आंसर जो आएगा ये देखिए। जब हमने यू वी को सेपरेट किया तो बताइए सेपरेट करने के बाद एक्स के साथ आगे कौन सा साइन है? माइनस का, और वाई के आगे भी। अगर एक्स और वाई के आगे सेम साइन हो तो आंसर वही रहेगा 0.8। लेकिन अगर एक दूसरे का रिवर्स हो तो उसका साइन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। दोबारा बोलूं, आई रिपीट माई वर्ड अगेन, समझना। जब हाँ लिख लेना, जब यू और वी आपने निकाला और यू वी निकालने के बाद एक्स और वाई के आगे सेम साइन, क्या है? सेम साइन है, सेम साइन है, तो आंसर वही रहेगा जितना था। लेकिन अगर डिफरेंट साइन है तो उस आंसर का साइन बदल जाएगा। नहीं बात समझ भाई? दोबारा बोलू, आई रिपीट, जब आपने यू वी निकाला तो देखिए एक्स और वाई के आगे कौन सा साइन है? अगर सेम साइन है तो आंसर वही रहेगा, सेम साइन में, सेम साइन में। लेकिन डिफरेंट साइन है तो आंसर बदल जाएगा। अगर प्लस में दिया तो किसमें आएगा? माइनस में। अगर माइनस में दिया है तो प्लस में। आई रिपीट माई वर्ड अगेन, लिख लो कॉपी में, अगर यू वी को सॉल्व करा तो देखिए एक्स और वाई के आगे क्या साइन आ रहा है? एक्स और वाई के आगे सेम साइन आ रहा है तो आंसर वही रहेगा। अगर अलग साइन आ रहा है तो आंसर बदल जाएगा। मतलब माइनस किया प्लस, प्लस किया माइनस, तो पहले ऑप्शन का आंसर तो वही रहेगा कितना? 0.8। बात समझ में आई या नहीं बताओ? अब बताओ दूसरे पार्ट का आंसर क्या आएगा? दूसरे पार्ट का देखो, ये माइनस आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, देखो माइनस का रिवर्स साइन हो गए तो साइन माइनस 0.8। अरे वाह आप तो इंटेलिजेंट हो गए लाडो। तीसरा देखो, यहां माइनस माइनस सेम साइन 0.8, अरे यहां पे प्लस माइनस तो माइनस 0.8। नहीं समझ में बात भैया? बड़ा लाडू है। दो बातें मेरी याद कर लो कि जब कभी यूवी में चेंज आएगा क्या कहोगे? अगर सेम साइन है तो आंसर वही रहेगा, अगर रिवर्स साइन है तो आंसर बदल जाए। बताओ नादान वाले किसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, समझ में आया ना? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा एग्जाम में, बता लिया सबने? एग्जाम्पल वाला सबने लिखा नहीं लिखा? लिख लो आराम से बेटा, बड़ी काम की चीज बता दी मैंने आपको। हां जी, अगर मान लो दोनों का साइन सेम है तो आंसर वही, अगर रिवर्स साइन है तो आंसर का साइन भी बदल जाएगा। बस चलो महालाडू। हाँ बेटा कुछ बोला? अच्छा लिख ले, आराम से लिख लो। देखो ये सारी बातें ना एक कॉपी में नोट्स बना लेना, और एग्जाम टाइम में ना आपको आसानी रहेगी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रिक बताता हूं। अब ये तो नहीं है कि आपको सारी एक साथ लिखवा दूंगा, तो बाद में आपका फर्ज बनता है सारी ट्रिक्स को, चैप्टर्स को अच्छे से डिफाइन कर लो। वो नोट्स क्या है, बेचना मत मार्केट में, बस कहीं बेच दो बाहर आर के जी के बाद 100 रुपए 200 रुपए कमा लो, ऐसा नहीं, ठीक है? हाँ कम से कम 5,000, मतलब पैसे की फीस वसूल करे यार कुछ तो। चलिए पहले बताओ, आसान तरीका था ना बेटा, क्यों? कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना, बस इसको अगर यूज कर सकते हो तो आप कर लो, वरना आपकी मर्जी है।
सबका हो गया बेटा ये क्वेश्चन, जो बोल रहा हूं लिख ले करो बेटा, ये करोड़ रुपए के नोट्स हैं, क्योंकि आज आप ये पढ़ोगे, हो सकता है कल को कोई मैथ्स का टीचर बन जाए आप में से, तो कमा लिया ना करोड़ रुपए आपने भाई। आप मैंने भी तो पढ़ा, तो पढ़ाई से तो पैसे कमा रहा हूं। ये बेटा मैंने वो किसी ने पढ़ाई, मैंने जब मैं, क्या होता मैं होता हूं आपको बताता हूं, आज पहले मैं मैथ्स का टीचर नहीं था, मैं आपको बताता हूं, मैं था सीएफ इंटर को कॉस पढ़ाने और एफएम पढ़ाता हूं, और फाइनल को कॉस एफएम पढ़ाता हूं, और फाउंडेशन को इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। मैं आपको बता दूं साफ साफ, आज मैं 15 साल से फाउंडेशन को इकोनॉमिक्स, कॉस्ट एफएम और फाइनल पढ़ाता हूं। फिर मेरी अपना खुद का भी इंस्टीट्यूट है, वहां पे मैंने देखा कि मैथ्स में बच्चे बड़े परेशान होते थे, और मैथ्स का ऑलरेडी बहुत अच्छा 99 नंबर इज मैथमेटिक्स 12 क्लास, 100 नंबर इज 10 क्लास मैथमेटिक्स। मैं बहुत अच्छा मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं और आगे भी काफी अच्छा, ठीक है। तब मैंने कहा यार ये समस्या खत्म नहीं होगी भाई, फिर मैंने इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने का सोचा कि मैं ही अपने बच्चों को पढ़ा लूंगा, तब से मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। आर के जी, चलिए चलिए, तो बेटा आर के जी मतलब मैं अब आर के जी पढ़ाता हूं, कहीं नहीं पढ़ाता, ठीक है। हाँ तो मैं आर के जी पढ़ाऊंगा ना, चलिए ठीक है, मतलब था मतलब अब नहीं है, अब नहीं है, ठीक है। तो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? पहली बात क्या की मैंने आपको कि मैं इसी बता रहा हूं, मैथ्स जो है मैंने इसलिए पढ़ाना शुरू करी क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते थे, और 90% बच्चा ना मैथ्स की वजह से अपसेट रहता था। तो फिर मैंने, मैं एसएससी आईआईटी वगैरह की मैथ्स भी अच्छी जानता हूँ, तब जाके मैंने ट्रिक्स बनाई, कुछ पढ़ा कहीं से निकाली, कुछ अपनी यूज की, तब जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ उस हिसाब से क्वेश्चन को। ऐसा नहीं होता कि कोई पैदा नहीं होता, सब सीखते ही है बेटा, हमने भी यहाँ सीखा, आप भी सीख रहे हो, आप किसी और को सिखाओगे, कोई बैंगलोर में था वहां सिखाएगा, कोई लखनऊ में रहता वहां सिखाया, कोई अलीगढ़ में कोचिंग खोल लेगा, चिराग भाई हमारे फाइनेंस को बात है, उन्होंने क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। भाई साहब नमस्कार, लेट कैसे हो गए? अच्छा बड़ा मिस किया आज आपको हमने, चलिए क्या लिखा बेटा समझ में आया नहीं? मैंने क्या बोला? अरे क्या बोला कि अगर मान लो सेम साइन है तो आंसर वही, अगर रिवर्स साइन तो आंसर का साइन भी बदल जाएगा। बेटा बात समझ में आई? ओके ओके ओके, चलो जी आगे बढ़ते, थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं सर आईसीआई के क्वेश्चन देखते हैं, देखो बहुत आसान तरीके से कराऊंगा आपको, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे ज्यादा तकलीफ में रहे मैथ से, इसलिए मैं कोशिश करता हूं आसान से आसान तरीका हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूं और इंटर को कॉस्ट एफ में पढ़ाता हूं, इको छोड़ दी फाइनल ब्रदर, इंटर में अभी अभी आठ हैं, नए सिलेबस में छह होंगे। इंटर में कॉन्सेप्ट है लेकिन आसान तरीके से बताने हो, आप अभी तक तो पुराने में हो, जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है नए में मिल जाए एडमिशन आपको। इंटर में इधर देख लो बेटा, इधर देख लो बेटा, इधर देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स प्लीज, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ यू इक्वल टू 5x 3y माइनस 7 इक्वल 20, कोरिलेशन कॉफिशिएंट किसके बीच में 0.58, आंसर तो यही रहेगा 0.5। अब ये देखना प्लस का या माइनस का, भाई यू यहां से कितना आ रहा है, माइनस माइनस 5x हो रहा है, और ये क्या होगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 3y, ठीक है प्लस 20 माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस सेम या अलग, कैसे अलग नहीं हो गया भाई? देख भाई ये माइनस है ना, ये माइनस चेंज कितना है 7v इक्वल टू कितना 3y माइनस 20 नहीं हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होंगे मेरे भाई, क्योंकि ये देख माइनस का था 7v, पहले बताओ साइन बदले भी बदले,
साइन बदल गए तो आंसर क्या होगा, ये माइनस 0.58। मैंने बोला अगर सेम साइन है तो आंसर वही। जल्दीबाजी में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, रिवर्स साइन, तो आंसर क्या होगा, माइनस 0.58। अब एक बात सुनो ध्यान से, सुनो सर आपकी ट्रिक एक जगह फेल हो जाएगी। मैं कौन सी बेटा, सर एक ही इक्वेशन दी हो तो, एक ही इक्वेशन दी हो तो सर क्या ट्रिक लगाएंगे, फिर हम साइन का कंपेयर कैसे करेंगे। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं होगी, अगर एक ही इक्वेशन दी हो तो दूसरी इक्वेशन जो हमें नहीं दी हम मान लेंगे उसका साइन पॉजिटिव है अपने आप ही, उसका साइन पॉजिटिव है अपने आप ही। केवल जो इक्वेशन दी है उसका साइन देखो बस। अब मैं क्या दोबारा बोलूं दोबारा बात, कि अगर मान लो दो इक्वेशन की बदले एक ही इक्वेशन दे दे तो हमें तो दोनों इक्वेशन के साइन देखने पड़ते हैं बेटा। अब सर एक ही इक्वेशन दी है क्या करूं मैं, तो मैंने कहा बेटा दूसरी जो नहीं दी उसका साइन हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, केवल इस वाली इक्वेशन का साइन तू देख, अगर नेगेटिव आ रहा तो उसका हो गया पॉजिटिव तो आंसर रिवर्स, अगर इसका पॉजिटिव तो उसका भी क्या होगा पॉजिटिव, मतलब जो इक्वेशन आपको नहीं दी दूसरी उसका साइन क्या मानेंगे प्लस अपने आप। चलो जी आगे बढ़े, चलो जी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 समझो समझो, क्या एक इक्वेशन है दो, एक तो इसका साइन बताओ क्या है सर, इसका साइन होगा 4u = -3x - 7 माइनस होगा, और दूसरे वाले का साइन क्या प्लस, तो रिवर्स क्या आंसर दिया हुआ है तो प्लस में आ जाएगा 0.6। बात समझ में आ गया, एक इक्वेशन दी तो दूसरे का साइन तो पॉजिटिव, केवल इस वाली इक्वेशन का साइन आप चेंज कीजिए। बेटा आपको लग रहा था बहुत बड़े तरीके से सर क्वेश्चन कराएंगे, स्टैट्स के भी बड़े लंबे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, आपको कोशिश की कि आपको आसान तरीका बताऊं जिससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, दैट्स ऑल। इतना दिमाग हमारे पास होता कहां है कि बड़े बड़े करें, बच्चे मैथ्स का मतलब मानते हैं कॉपी में पेन चलना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके ट्रिक्स आपको होनी चाहिए, जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। जितने क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं घर जाके दो बार ट्राई करना बेटा सारे। चलिए अब आ जाओ आठवां क्वेश्चन देख के अच्छे अच्छे को डर लग जाता है, ये क्या कह रहा है यही समझ में नहीं आता। पहली बात तो सुनो ध्यान से, मैं समझाता हूं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, सब लोग रेडी हो बेटा, 8 और 9 क्वेश्चन दोनों सेम है, अगर 8 और 9 क्वेश्चन हम कर लेंगे ना तो हमारा कोरिलेशन खत्म हो जाएगा, रिग्रेशन आ जाएगा हमारा। 8 और 9 ही क्वेश्चन तो बचा है हमारा इसके अंदर, देखिए ध्यान से। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखने में लग रहा होगा आपको बड़ा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो बेटा इसको समझो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एक्स बराबर 2 है 3 है 5 है वाई, अब एक्स की जगह क्या बन गया ये यू, यू कितना हो गया -3, इसका मतलब मैंने कुछ वैल्यू माइनस की होगी, की होगी ना, तभी तो माइनस में आया है भाई, 2 का बन गया -3। अरे मेरे को ये देखने ही नहीं कि कितना माइनस किया, मुझे कोई टेंशन लेनी नहीं इसकी, बस ये बता रहा हूं चेंज हुआ है भाई, 4 का क्या बन गया -4, तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज हुआ होगा, हुआ ना। अब चेंज हुआ है तो आंसर कितना दिया हुआ है, तो आंसर तो 0.93 रहेगा, बट प्लस का रहेगा या माइनस का ये हमें चेक करना है। इसको करा दो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको बस, लेकिन सब लोग मैं इतना करेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा पहली क्लास वाला दिमाग लगा लेना। देखो ध्यान से, ये यूवी पे जाओ, ये बताओ ये -3 है ये -4 है, इनके डिजिट को तो भूल जाओ, केवल साइन देखो, अगर इन दोनों साइन को मैं प्लस करूं तो क्या साइन आएगा नीचे, प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा ना, आया ठीक है छोड़ो, ऐसा करो इनको जोड़ लो कितना आएगा,
माइनस आर, बस ऐसा कर लोगे तो इतना तो आसान रहेगा। इन दोनों को घटाया माइनस चार, इनको माइनस एक, इसको इनको प्लस चार, यही ना। मैंने डिजिट लिखनी नहीं थी लेकिन तुम्हारे को समझाने के लिए लिख दी डिजिट। अब ये बताओ इसके आगे कौन सा है ना, ये इस माइनस की इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा, इसका ये प्लस बन चुका है, इस प्लस से इसको मल्टीप्लाई क्या आया, सब ये माइनस बन चुका है, इस माइनस से इस माइनस क्या हो गया प्लस, इस प्लस से इस प्लस, फाइनल आंसर क्या बच रहा है, अगर लास्ट में प्लस बच रहा है तो आंसर चेंज मत करना, आंसर वही रहेगा। अगर लास्ट में माइनस बच रहा है तो इसका साइन बदल जाएगा, बस ये नहीं समझे, दोबारा समझो, दोबारा समझो, दोबारा समझो, कुछ तो समझ गए, कुछ को समझाना है, 90% का 100% समझाऊंगा। देखो समझो क्या करना है बेटा, u और v वाले को जोड़ो, कितना आएगा, माइनस सात, माइनस चार, माइनस एक, माइनस एक, और ये प्लस चार, यही आएगा बेटा। अब डिजिट को भूल जाना, माप केवल साइन की मल्टीप्लाई करना, इस माइनस साइन की इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई क्या आया, सर ये साइन प्लस बन गया, अब इसकी मल्टीप्लाई इस माइनस से क्या बन गया, माइनस, इसकी इससे प्लस, इसकी इससे, लास्ट में साइन क्या बच रहा है, अगर लास्ट में साइन बच रहा है प्लस, तो जो आंसर दिया उसका साइन चेंज मत करना, वही रहेगा। अगर लास्ट में आंसर माइनस में आ रहा है तो साइन क्या हो जाएगा बेटा, बदल जाएगा। नहीं बात समझ में आया, दोबारा बताओ ना, समझ में आ गया, आ गया, वेरी गुड। और मैथ्स वालों को तो कोई डिफिकल्ट होनी नहीं चाहिए, अगर इतनी बात इसमें, ये बात तो पहली क्लास में सिखाई जाती है यार, माइनस प्लस माइनस होता है, अगर ये भी नहीं सीख के आए कोई बात नहीं, सीख जाओगे और क्या कह सकता हूं, है नहीं सीखोगे। चलो 9 क्वेश्चन करोगे इस तरह से, कर लिया 9 क्वेश्चन करो फटाफट करो, 9 क्वेश्चन क्या आएगा सर, अभी करता हूं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, लास्ट में क्या आ रहा है माइनस, तो साइन बदल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 0.93, बताओ ये रहा क्वेश्चन ऊपर वाला ही है। ये था बेटा कोरिलेशन, जिसे हम बहुत टफ मानते थे लेकिन इतना टफ है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बहुत आसान तरीके बताए, कोशिश की कि आपको आसान तरीके से ये कोरिलेशन पढ़ाया जाए। अब कोरिलेशन के बाद पढ़ाने जा रहा हूं रिग्रेशन। देखिए मंडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज नहीं होगा, मंडे पढ़ाऊंगा, आज भी मंडे खत्म होगा। पहले बताओ कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट में केवल एक जगह आपको थोड़ा भारी लगा होगा, जहां बड़ा वाला फॉर्मूला आ गया, जान थोड़ा सा लगा कि यार ये क्या है, घुसम पट्टी मरम पट्टी ये, लेकिन वो लंबा था बेटा, लेकिन उसमें आपने एक बात सीखी होगी भाई, क्या क्या सीखा उसमें सर, मैंने उसमें ये सीखा, पहले बताओ कोरिलेशन के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया 1 to 15 तक, जहां तक थे। अगला टॉपिक है रिग्रेशन का, तो कोरिलेशन में बेटा कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो मैं रिग्रेशन स्टार्ट करो। यस हाँ, ज्यादा हो जाएगा, मतलब एनर्जी लेवल में मजा नहीं आया है अभी तो, लगभग 1.5 घंटा है इंग्लिश क्लास में, अगर मैं 1.5 घंटे का ब्रेक दे दूंगा तो मैं बता रहा हूं आपको यकीन से, 2 लाइन बचेंगी बाकी सब गायब हो जाएंगे, ये मैं कंफर्म कर रहा हूं इंग्लिश क्लास के लिए, अभी से 2 लाइन बचेंगी, जो आगे बैठे होते कुछ बच्चे, कुछ इधर उधर बैठे होते, बाकी सब चलना यार बहुत हो गया आज, घर से पढ़ लेंगे, क्योंकि एनर्जी भी तो खत्म हो गई ना आप लोगों की। देखिए आपने पैसे दिए, बिल्कुल दिए, उसका असर आंखों पे, लेकिन उस पैसे से आप करोड़ रुपए कमाने वाले भी हैं, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, और चिराग भाई हमारे सबसे अच्छे इन्वेस्टर हैं यहाँ पे,
इनको ज्यादा पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये अभी से पहले से चार्टर्ड अकाउंटेंट की फैमिली में सात लोग ऑलरेडी बताते हैं, जैसे मुझे नहीं पता ये बताते हैं कि 7% ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है यहाँ, और भगवान का दिया सब कुछ है, वो फिल्म है वेलकम डायलॉग वाला, शोहरत है इज्जत सब कुछ है। तो कोई बात नहीं, आप लोग जिस पे नहीं है वो भी कमाएगा, और जिस पे वो मल्टीपल करेगा अपने पैसे को। पैसा कमाने के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन रहे, मैं बता दूं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का दिमाग यूज करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। आप ये मत सोचिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसा आ जाएगा, पैसा कमाने के लिए माइंड यूज करना पड़ेगा, थोड़े फ्रॉड थोड़ा झूठ थोड़ा सच, क्योंकि आप किसी को क्लाइंट को डराओगे नहीं तो आपको वो कैसे पैसा देगा। ठीक है भाई, अगर बोल दो क्लाइंट को, वकील क्या करता है, कभी भी एक डेट में केस सॉल्व नहीं करता वो, जान पूछ के और मना भी नहीं करता किसी को, भाई साहब इसी डेट पे करवा दूंगा मैं आपका, और डेट पे गए पैसे दे दो भाई साहब, पैसे ले लिए, जब तक आपका केस फंसा हुआ है आप पैसे देते रहोगे। जहां आपने केस सॉल्व करा दिया एक डेट पे, क्या करा आपने, एक ही तो डेट दी थी। तो इसीलिए कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी लॉयर, कोई भी प्रोफेशनल क्लाइंट का जल्दी काम नहीं करता। अगर जल्दी काम कर दिया तो क्लाइंट पैसे नहीं देगा। आप देखिए किसी मैकेनिक के पास जाइए, वो 5 मिनट में आपका कार ठीक कर दे, बस 5 मिनट, वो बोले भाई साहब वो क्या करता है, भाई साहब टाइम लगेगा, आपने 2 घंटे बाद आइए, वो चाहे 5 मिनट काम होता है, वो बोलता है जान पूछ के कि भाई साहब आप जाइए 2 घंटे लगेंगे कम से कम, देखो भाई साहब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, होता 5 मिनट काम है, करके बैठ जाएगा 2 घंटे वहां पर, हाँ भाई 2 घंटे लगे, पैसे देने चाहिए उसको। तो ये एक सबसे ज्यादा चंटूपना होता है किसी भी प्रोफेशनल का। राज ने सच्चाई बोली है मैंने भाई, डॉक्टर भी क्या करता है, डराता है आपको, दो पीली गोली दो नीली गोली खाना भाई साहब बुखार ठीक नहीं होगा, तीन दिन तक तो बुखार अपने आप आते आता है, अपने आप ठीक हो जाते हैं, हम डॉक्टर पहुंच जाते हैं, भाई साहब आपने ठीक किया डॉक्टर साहब। ये जो वायरल फीवर होता है 3 डेज चलता चलता है, आप चाहे दवाई खाओ, बस दवाई क्या होती है आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे देती है, पेन किलर होती है तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है बस, अदरवाइज वायरल फीवर तो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन क्या अगर वो बोलेगा नहीं भाई साहब कुछ नहीं हुआ, तो आप काय को पैसे दोगे उसको, 3 विजिट करवा देगा, 3 बार पैसे ले लेगा, देरी नीली पीली गोली उसने। मोस्ट ऑफ द मैं डॉक्टर के पास कम ही जाता हूं, कोशिश करता हूं कि ना जाया जाए, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास गए तो बीमार ना तो बीमार पक्का बना देगा वो आपको, ये फैक्ट बात है। आप वकील के पास जाओ, चाहे केस इतना था इतना बड़ा बना देगा वो, क्योंकि सेटिंग होती है सबके साथ, सबके साथ सेटिंग होती है, पैसा सबको चाहिए भैया। और डॉक्टर और वकील बेचारे जो क्लाइंट होते हैं ना, वो घर बार बेच करके डॉक्टर और वकील को पैसा देते हैं, घर बार बेच करके, बेचारे मजबूरी होती है उनकी, क्योंकि एक बार वकील के चुंगल में आ गए तो छुटोगे नहीं, और एक बार डॉक्टर ने पैसा ले लिया तो भैया मरीज कैसा भी है वेंटिलेटर पे है जी भाई साहब, बड़ी मुश्किल है जी, झूठ झूठ बोलते हैं वो, आपको मिलने देंगे नहीं मरीज से, और मरीज को लगा गया ग्लूकोज, खाता रहे ग्लूकोज पीता रहे, पर क्या बोलेंगे नहीं भाई साहब बहुत सीरियस है, और जब तक आपको नहीं बोलेंगे आप पैसे कैसे निकालोगे। तो ये सब चालू होते हैं, भगवान माफ नहीं करेगा हम जैसे लोगों को अगर झूठ बोलते हैं तो, लेकिन क्या करें दुनिया ऐसी है। चलो कोई बात नहीं, आप मत झूठ बोलना, अच्छे इंसान हो आप, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, अच्छे बनोगे तो थोड़ा कम पैसे कमाओगे, ये बात फैक्ट है, बोले ईमानदार बनोगे तो, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट ईमानदार बनोगे ना तो कम पैसे कमाओगे, और फ्रॉड करोगे तो बहुत पैसे कमाओगे। चलिए बहुत, हाँ बात कहते हैं हम रिग्रेशन की, क्या रिग्रेशन पढ़ना चाहते हैं अभी, क्या कह रहे हो सर, आपने अच्छा कमाया है, मैं एक बताऊं, मैं आप बताता हूं, मैं कभी भी ना किसी के 2 रुपए नहीं मारता, क्योंकि इसका उसूल यह है कि मुझे पैसे का लालच नहीं है। दोस्त सोना क्या है, 6x4 के बेड पे सोना है, हर कमरे में लूटना नहीं है भाई जाके, सिंपल सी बात है। लाइफ को अगर समझना चाहो तो आप आराम से लाइफ जी सकते हो, अपना सेटिस्फेक्शन होता है कि आपको क्या चाहिए। आप चाहो तो भाई रोज नई गाड़ी बदल गया हो, मर्जी अपने, एक गाड़ी में जुगाड़ चलता है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो बहुत लग्जरी जीवन जीना तो वो आपका भाई खर्चे बढ़ा देगा, और खर्चे बढ़ेंगे तो खर्चे को पूरा करने के लिए घोटाले बढ़ेंगे,
अगर आपने इकोनॉमिक्स तो जानते हो ना यार, वांस तो अनलिमिटेड कभी पूरी नहीं हुई ना आज तक, 100 साल के बाद ही मरोगे तो भी कहोगे नहीं 1 साल और जी लूं। तो वांस तो अनलिमिटेड है भैया, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड है ना, कैसे यूज करें उसको। ये जो है थोड़े से पैसे खर्च करूं इन्हें कैसे, यही तो इकोनॉमिक्स है भाई, यही तो इकोनॉमिक्स है और क्या, कुछ नहीं है। चलो बेटा, आप सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, मैंने आज कोरिलेशन कंप्लीट कराया। आप ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, 3-3 बार करना घर जाके, फिर देखो कैसे नहीं आते आपको। और 3 बार करोगे ना, पहली बार करोगे 1/2 घंटा लगेगा, दूसरी बार करोगे 20 मिनट, और तीसरी बार में 10 मिनट में हो जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि रट जाता है वो बार बार करके। लेकिन हाँ, आंसर रटे वो मत करना, क्वेश्चन करके देखना कि आंसर आपको आ जाना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, अब इसका ए इसका बी आता तो याद नहीं करना, करके देखना, रट्टा नहीं मानना बेटा। रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज। चलिए आज क्लास ओवर करते हैं, क्योंकि बच्चों का हिम्मत भी नहीं है और ना ही पढ़ना चाह रहे हैं नया टॉपिक। देखिए मैंने मान लिया कि आप में स्टैमिना ना 3.5 घंटे पढ़ने का, कह रहे रिग्रेशन जो है बाकी तो तैयार ना हो रहे। बाय 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 बाय।